जिला बिलासपुर में एक बार फिर से गोली कांड में एक व्यक्ति घायल। जिला बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र नैना देवी के बेहल गांव में गोली कांड हुआ है। इस घटना में एक व्यक्ति पर 3 गोलियां चलाई गई है। एक घटना कल शाम की बताई जा रही है। थाना कोर्ट पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों की माने तो इस घटना को अंजाम देने वाले 5 व्यक्ति है, जिनमें पुलिस ने 4 व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है और एक व्यक्ति का नाम अभी तक पता नहीं चला है। घायल व्यक्ति को पहले कोठीपुरा एम्स में भर्ती किया गया था, लेकिन व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसके बाद घायल व्यक्ति राजेश को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं घायल पर व्यक्ति का इलाज चल रहा है। थाना कोर्ट की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन में जुटी हुई है। इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने इकट्ठे होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन पर चंडीगढ़ मनाली पर चक्का जाम किया और जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गई, जिसमें एएसपी शिव चौधरी, एसपी बिलासपुर और विधायक रणधीर शर्मा ने भी लोगों से मौके पर पहुंचकर बातचीत की। स्थानीय लोगों को माने तो ये 5 व्यक्ति 1-2 दिन से स्कूल के नजदीक घूमते हुए देखे गए हैं। अभी तक पुलिस की हिरासत में एक भी व्यक्ति नहीं आया है। घायल व्यक्ति की पहचान राजेश कुमार पुत्र दयाल सिंह गांव बेहल आयु 35 वर्ष के रूप में हुई है। डीएसपी मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जल्दी ही सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे। हमने पहले भी कई बार किए हैं, आपको पता ही होगा, वैसे तकरीबन लोकल बंदों को पता ही है। कल रात पहले हमारे लोगों के साथ जो गाड़ी पे से घर आ रहे थे उनके साथ मारपीट हुई, और जब वो बहल साइड आ गए उन्होंने फोन किया घर को, तो हमारे घर से देवर गया कि चलो हम देखते हैं क्या हुआ। तो हमने पुलिस को भी फोन किया कि चलो पुलिस आएगी, पुलिस खुद देखेगी, ऐसे हिंसा में हम क्योंकि विश्वास नहीं रखते। तो हमने पुलिस को फोन किया, जब पुलिस का फोन किया तो पुलिस ने बोला कि आप जाओ बहल में, हम आ रहे हैं। जब हम वहाँ गए तो पुलिस नहीं आई, और वहाँ से जब हम पहुंचे तो पीछे से हमारे देवर को गोली मारी, कम से कम 20-25 बंदे हों, ठीक है। और उन्होंने मुंह पे कुछ लगाया हुआ था, रुमाल वगैरह कपड़ा वगैरह, तो 20-25 बंदे, तो एक जब ताया जी ने हटाने की कोशिश की तो उनको भी मार दिया, ठार था उनके हाथों में, तो वो बच गए, किसन बच गए। जो जब लेडीज पड़ी तो लेडीज को ऐसे फेंका उन्होंने इतनी दूर दूर को, और फिर जब ये बात हुई तो पुलिस बाद में आई। जब पुलिस सब कुछ कुछ हो गया तो पुलिस बाद में आई। फिर हम जब हमने पुलिस को पूछा तो पुलिस मुकर गई इस बात से। हम गवाह है वहाँ के, हम लेडीज जो गई हुई थी वहाँ पे, सारा इलाका इकट्ठा हो गया था, वो हमारे सामने किया जो किया इन्होंने, पर आज से नहीं 15 सालों से हो रही है। भगोड़े करार कर दिया पंजाब पुलिस ने, FIR इनके ऊपर 100 से ज्यादा पेंडिंग है। धरने पहले हम दे चुके हैं, पुलिस आती है हाथ मिलाती है, हफ्ता मिलता है इनको, जो ड्राइवर आते हैं गाड़ियों को लूटते हैं, लेडीज को लूटते हैं, मंदिरों को लूटते हैं। चिट्टा मैंने वीडियो भी डाली है, चिट्टा वहाँ पे देख लो आप, वहाँ पे वॉशरूम है ना, चिट्टा के सिरिंज वगैरह पड़े हुए हैं वहाँ पे। इतने इतने हिंसक हो गए ये जो ये पुलिस है, ये डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा। 15 साल हो गए, क्या क्या दिया जाता है इन नेताओं को जो पीछे इनकी हल्लाशेरी कर रहे हैं। सबका पर्दाफाश होगा, एक एक का नाम आएगा। हम भी मरने को तैयार हैं, पर हम अब अत्याचार ही सहेंगे, क्योंकि हमारे सबर का बांध अब टूट चुका है सर। हम इसलिए बोलते हैं, हाथ जोड़ के बिनती है, कम से कम अच्छी चीजों को प्रमोट किया करो, पूरी चीज को तो सभी करते हैं, अच्छी चीजों को प्रमोट करो। ये इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। दुख का विषय है कि कई दिनों से पुलिस के ध्यान में ये बातें लाई जा रही थी कि असामाजिक तत्व हमारे बहल पंचायत के क्षेत्र में घुसकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ख़राब कर रहे हैं, रात को आने जाने वाले लोगों को रोकते हैं, लूटपाट करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी करते हैं। इसलिए मैंने स्वयं DSP नैना देवी के ध्यान में फ़ोन करके बात लाई थी कि वो इस क्षेत्र में रात को पुलिस की गश्त शुरू करे, पुलिस यहाँ सारी रात रुके ताकि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगे। परंतु दुख की बात है कि हमारी बात को जो पुलिस ने हल्के में लिया और उस पर कोई अमल नहीं किया, जिसका परिणाम ये निकला कि रात को वहाँ पर असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से गुंडागर्दी की, उसका परिणाम गोली कांड के रूप में निकला और एक युवक उसमें घायल है। इसलिए हमारी जनता में रोष है और जनता दुखी होकर परेशान होकर आज यहाँ 4 लेन पर आकर उन्होंने धरना दिया था, और मैं भी यहाँ पर मौके पर पहुँचा हूँ। पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है और अगर 2 दिन के अंदर दोषी जो है वो गिरफ्तार नहीं किए गए तो जनता आगे जो है इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी और आंदोलन को और तेज करेगी। रात को यहाँ पे शाम के वक्त कुछ किसी एक लड़के ने दूसरे पे गोली चला दी, तो उसमें जो है वो टोटल इसमें 5 एक्यूज अभी तक हमारे नामजद हैं,
उनको हमने मतलब अरेस्ट करने के लिए हमारी टीमें जो चली गई हैं, और इन लोगों ने जो है ये रोड इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद किया था कि इनका रोष था कि भाई जी पुलिस जो है भाई वो जल्दी से उन अपराधियों को पकड़ ले और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करे। इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर और साथ में जो है वो आर्म्स एक्ट की धाराएँ भी लगाई हैं, और जो इस केस में जो वांटेड अक्यूज हैं उनको हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे, और साथ में जो है जो विक्टिम है उसको जो है रेफर चंडीगढ़ के लिए कर दिया गया है। अभी वो थोड़ा सेफ है, बट जो भी इसमें अपराधी है उनको हम जल्दी ही गिरफ्तार करें। अभी फिलहाल 5 जो है वो नामजद हैं, उसके बाद जो है वो ये इनकी संख्या, जैसे कि मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं कि इसमें संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसमें हमने जो है वो जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई कर दी।